सर पुरुष, और 17वें में कहा कि इन दोनों से कोई और है असली वास्तविक अविनाशी भगवान परमात्मा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तना मोटी डांट शाखाएं पत्ते ये कौन कौन कैसे ये कोड वर्डों में ये कौन कौन भगवान है इसके विषय में जो संत बतावेगा सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर उसके बाद ये बताया है कि जब ये तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उस तत्वदर्शी संत के बताए द्वारा इस उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप अंधकार को हटाकर काट के यानी आन सब उपासनाएं छोड़ खत्म कर दे बंद करे एक साधना वो करे जो संत बतावे उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर ये प्राणी लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूँ ऐसा विचार करके उसी की पूजा करनी चाहिए। अब उसकी जानकारी कौन बतावेगा? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ब्रह्मणे माने उस सचिदानंद घन ब्रह्म जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन भगवान बताए हैं तो 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तर्य आविश्य विवृति वो अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है दो भगवान है इस संसार में जाने जाते हैं एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष। सर्पुरुष ये सात्संग ब्रह्मांड का मालिक ये काल है ब्रह्म है जिसका ओम नाम है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है ये इसके सात्संग ब्रह्मांड है और ये दोनों भी नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती वो अमर है। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते उत्तम पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से नारा है और उसको परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है अविनाशी परमात्मा वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म है और तना जो है वो अक्षर ब्रह्म है जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं अक्षर ब्रह्म और उससे एक मोटी डार निकली वो समझो ये सर्वब्रह्म है सर्पुरुष जिसको ब्रह्म बोलते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके जो अक्षर पुरुष है वो जड़ है वो सब का मालिक है उस जड़ से ही सारे पेड़ को खुराक मिलती आहार मिलता है और जड़ से तना में आता है तना से डार में जाता है डार से शाखाओं से फिर पत्तों में जाता है तो सबका पालन पोषण धारण पोषण करने वाला कुल का मालिक सबका कंट्रोल सबका दाता वो मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म जड़ रूपी इस प्रभु है मूल। अब हमने इन बातों को बहुत गहराई से सोचना पुण्यात्माओं कृष्ण जी की लीलाएं सुदामा कृष्ण की कहानियां महाभारत की कथाएं आपने गणी सुन रखी हैं उनसे निष्कर्ष क्या निकला बता उससे तो दूना नास्तिक हो सब भगवान। अब कौरव और पांडव चाचाताऊ के भाई थे चचेरे भाई थे और वो दुश्मन हो गए एक दूसरे के उस कथा से हम ये सीखेंगे तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा हमने जो कथाएं आज तक सुनी थी वो अप्लीकेबल भी ना हो सकते अपने जीवन में। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बतावें सीता का अपहरण हुआ
रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, सीता को अग्नि परीक्षा लेकर के भगवान श्री राम जी वापस लाए, आग में बैठा दी वहीं पर श्रीलंका के किनारे, अगर तू आग में नहीं जली तो तू अछूती है, तू सती है, और आग में जल गई तो खत्म हो जाएगी। कहने का भाव ये था कि मैं तब ले जाऊंगा जब सारे लोग मान लेंगे कि इसको रावण ने छुआ भी नहीं, आग में बैठा दी और नहीं जली, सब ने खुशी मनाई, घर ले आए श्री रामचंद्र जी, घर ले आए सीता को, दिवाली मनाई गई। और एक दिन श्री रामचंद्र राजा थे अयोध्या के, नगरी में घूम रहे थे, एक धोबी अपनी पत्नी ने कुटा था, वो कलियारा गणा था, वह लड़ बढ़ कर वह उसके दुख तय चली गई कि तय पहले और के करब, अपने घर चली गई होगी, फिर वह आ गई हफ्ते दस दिन में। उसने कुटन लाग रहा रात ने, अक मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ जो रावण के पास इतने दिन तक वह सीता रही, फिर उसको घर ले आया, और तू इतने दिन बाहर रही, दो दिन या चार दिन जैसे भी, मैं तुझे नहीं रखूँगा, और कूट छेद कर निकल जाना, सुबह भाग जाना। अब रामचंद्र जी ने उस धोबी के व्यंग से कानों सुन लिया झांकी माँ के, अगले दिन अपनी पत्नी सीता को कलंकित मान कर निकाल दिया कि मैं लोगों की व्यंग नहीं सुन सकता। अब पुण्य आत्माओं, क्या ये एक आचरण अच्छे गृहस्थी के हैं? गर्भवती पत्नी ना, आप निकाल के देखो किसी बेटी नाज बाण ना, अपनी पत्नी निकाल के देखो घर से बाहर, कलदा पाठ जा मानस का इंसान होता है, कितवा जाएगी है? आदमी निकल कर देख लो लड़की का, तो बहुत दूर की बातें, 36 प्रकार के ढेर रास्ते में टकरावेंगे, इतने भी सोच नहीं कि उस व्यक्ति ने, और उसको हम भगवान मान के पूजा करते। पुण्यात्माओं, इस काल ने सारी उल्टी पढ़ाई पढ़वा रखी अपने ताई, और सारे दुखी थे, जो दुख होना था वो क्यों, श्री रामचंद्र जी पर आखिरी सांस तक सुख नहीं हुआ उसको, उसकी पूजा से आप जी और हमको कैसे सुख होगा। कहने का भाव ये है कि हम जो ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान एक आने का नहीं था, और उसी में हम निश्चिंत थे, और कोई कथा सुन लेते थे अपना, खुश हो जाते थे। अब ये है वो अमर पुरुष की कथाएं। अब उस परम अक्षर ब्रह्म से सबको आहार मिलता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उर्फ रामचंद्र जी कृष्ण जी तो किस स्थिति में है ये आपको पता लगेगी। ये देखिएगा, आपको एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये रात्रि का समय, मीठी मीठी सर्दी है, परमात्मा की दया से भगवान की अमृतवाणी का प्रसाद हमें मिला, इसको देवता तरसते हैं उनको नहीं मिलता, ये नए खेल पांटे की तो को मंगलवार का को ओई कमोई का आप पे लाए, उड़े दुकान से लाए रानते बांटन लाए, गे हो गया प्रसाद, एक चार 100 रुपये की बूंदी बैठ दी, को गुणा सेठ था वो, सवामणि का चूरमा कूट जिंदा साल 6 महीने में उन्हें बैठ देते, या परमात्मा की अमृतवाणी का अमृत आहार आप जी को प्राप्त, और ऊपर से अमृत खुराक जो है इस आत्मा की आपको प्राप्त, और ये रात्रि का समय और प्रोजेक्टर अपने पास, परमात्मा को आपके रूबरू कर देंगे रात रात में, भगवान मिल जाएगा अगर आप जी सच्ची श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनोगे। पुण्यात्माओं, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आप जी को, तो आपकी भक्ति स्वस्थ है, आपकी आत्मा निर्मल है। हम खाना सुबह भी वही खाते हैं, शाम को भी वही खाते हैं, यदि स्वस्थ है तो भूख जोर की लगती है, आनंद आता है, और भूख आनाकानी कर रहा है, सुबह रोटी खाई शाम ने भूख नहीं लग रही है तो कोई न कोई बात बिगड़ ली, या तो जबर की तैयारी है या बदहजमी हो ली, कोई ना कोई रोग आपके अंदर प्रवेश है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेगी,
और उस औषधि से फिर भूख लगेगी। तो ऐसे ही इस परमात्मा की अमृतवाणी को जितनी बार सुनोगे उतना ही आत्मा की खुराक, ये आत्मा को मजबूती देता, स्ट्रॉन्ग करता है। परमेश्वर का तत्व ज्ञान इसको जितनी बार सुनोगे उतना ही थोड़ा, आखिरी सांस तक सिमरन और ये ज्ञान आपको सुनना ही पड़ेगा। ज्ञान और सिमरन का आपस में बहुत अच्छा योग है। ज्ञान एक ये समझ लो इस जीव को भ्रमित नहीं होने देगा, और भक्ति सिमरन की फिर मजबूती उसका वजन इतना बन जाएगा कि आप दूसरी बात सोच ही नहीं पाओगे, इतना प्रेरित हो जाओगे अंदर से। जैसे अब भक्ति है नहीं, आत्माचारी है भक्ति को, अंदर भर रखा सारा यो कबाड़ अज्ञान, तो फिर वो टिकना देता इसने जब तक ज्ञान घड़ाना हो जाएगा, अधिकता नहीं हो जाएगी वजन की, बाप के पास कमाई की अधिकता नहीं हो जाएगी, तब तक यो न्यू विचलित रखेगा अपने। और जब आपका ज्ञान पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट नॉलेज हो जाए लेकिन डेली उसका रिवीजन होए, तब ये ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ दिनों में फिर भूल बन जाती है आदमी के। अब आपको दिखाते हैं कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार परमात्मा ने ये बताया कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार, और जड़ वो स्वयं थे उसको ये दास बताएगा। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 के 1-4 और 16-17 में इसको पूरी अच्छी तरह से इसका इसके सांकेतिक वर्णन है। अब विस्तृत से परमात्मा बताओगा, बता रखा भगवान ने, ये दास समझाओगा। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा कबीर जी की वाणी है, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। यहां से देखो ये परमात्मा गुप्त है, जड़ गुप्त होती है। अब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, ये तना जो है ये अक्सर पुरुष है, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्सर ब्रह्म भी कहते हैं, ये तना है। इस तने के एक मोटी डार है, ये सर पुरुष कहो, इसको सर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो अर्थात सर पुरुष या काल ब्रह्म कहो, ये डार है। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं। अपने आत्मा इस शाखा तक आहार कहाँ से सुख मिलता है, इस मूल से चलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके ये कौन है जड़, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल है, ये जड़ है। अब ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये अक्षर पुरुष, ये सर पुरुष, और ये तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। पुणात्मा प्रत्येक सत्संग में बहुत से भक्त जन श्रद्धालु जिनको ये पुस्तकें मिली हैं और टेलीविज़न के माध्यम से ये अमृत ज्ञान उन तक पहुंचा है प्रभु की कृपा से, वो अब यहाँ आ रहे हैं, दूर दूर देश से बहुत आ रहे हैं, दूसरे प्रांतों से बहुत आ रहे हैं। अब उनका सौभाग्य है कि उनको 3 दिन यहाँ रहना होगा और तीनों दिन वो परमात्मा की भक्ति सुनेंगे, आँखों प्रमाण देखेंगे, और फिर शेष समय में यहाँ के पुराने भक्तों से वो मिलेंगे, चर्चा करेंगे। कोई दुखी है वो कहेगा मैं इतना इतना दुखी था, इस पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा,
और यहाँ आने से मुझे इतना लाभ हुआ। अब हम किसी और के